आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्मदिन है। मनमोहन सिंह को उनके प्रधानमंत्री काल में मौन मोहन सिंह कहा जाता रहा, लेकिन चुप रहकर भी उन्होंने विकास के कई काम किए और उनकी शुरू की गई कई योजनाओं को वर्तमान सरकार आगे बढ़ा रही है। उनका एक वक्तव्य हमेशा याद रखा जाएगा कि ये इतिहास तय करेगा कि उन्होंने क्या किया। मनमोहन सिंह एक बेहद गरीब परिवार में जन्मे, लेकिन उन्होंने गरीबी को कभी पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया। वो लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ते रहे। उन्होंने हार्ड वर्क भी किया और हार्वर्ड द्वारा सम्मानित भी हुए। वो बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के देश के वित्त मंत्री बने। उन्होंने देश में बंद पड़े उदारीकरण के दरवाजे खोले। उन्हीं की नीतियों की बदौलत देश सूचना क्रांति की ओर तेजी से बढ़ा और हर हाथ में मोबाइल फोन आ गया। वो पहले गैर राजनीतिक व्यक्ति थे जो देश के प्रधानमंत्री बने। पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था को उन्होंने दौड़ा दिया। क्रूड ऑयल $146 प्रति बैरल होने के बावजूद उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम को काबू में रखा। सादगी पसंद मनमोहन सिंह ने बिना ठाट बाट दिखाए विदेशों में भारत का मान बढ़ाया। उनकी विद्वता के कारण दुनिया के तमाम नेता आज भी उनकी इज्जत करते हैं। वो 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, मगर उनका परिवार देश के साधारण नागरिकों की तरह ही रहा। प्रधानमंत्री रहने के दौरान उन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगे। उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री कहा गया और विपक्ष उन्हें मौन मोहन कहकर चिढ़ाने लगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे बारे में फैसला इतिहास करेगा।